Hi friends, good morning. Welcome to my channel Sweet Little Garden. ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल से अट्रैक्टिव और बहुत ही बड़े फ्लावर्स के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो ये जो प्लांट है इसे ग्लॉक्सिनिया कहा जाता है और ये जो प्लांट है दोस्तों ये जेसनेरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। जेसनेरियासी फैमिली में जैसे कि ग्लॉक्सिनिया, अफ्रीकन वायोलेट जो है प्लांट इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्लांट है दोस्तों कई कलर्स में आता है, जैसे कि रेड, पिंक और ये जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर है उसमें, और उसमें जो है सिंगल पेटल और मल्टी पेटल भी आते हैं। कई फ्लावर्स में जो है दोस्तों सिंगल कलर होते हैं और कई फ्लावर जो होते हैं इस फ्लावर्स की तरह बाई कलर में होते हैं, मतलब दो कलर में होते हैं। कॉम्बिनेशन तो वही होता है, वाइट एंड अदर जो मैंने आपको बताया वही जो कलर्स होते हैं वही कलर में ये आ जाते हैं। तो इसके लीव जो है दोस्तों ये देखिए, कुछ कारणवश मैं इसे जो है इसकी केयर नहीं कर पाई तो ये इसके लीव्स थोड़े से टूट गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लावरिंग तो आखिर होती रहती है। इसके लीव जो है दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ही वेलवेटी सकुलेंट की तरह होते हैं और साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं और थोड़े से जो है ब्रिटल होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी टूट भी जाते हैं। इसके फ्लावर जो है दोस्तों ये देखिए बेस से ही निकलते हैं और एक ही बार में कई सारे ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं। फ्लावर्स एक बार खिलने के बाद कम से कम 5-6 दिन के लिए रह जाते हैं। अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, अगर फ्लावरिंग हो रही हो तो उस वक्त ये प्लांट कम से कम 6 या 8 दिन तक भी लास्ट करते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा ये लास्ट नहीं करते दोस्तों। लेकिन जो है इसके फ्लावर्स जब भी खिलते हैं तो गार्डन अपना झूम उठता है। तो दोस्तों ये फ्लावर्स ये देखिए इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बनी हुई है। मोस्टली इसमें फ्लावरिंग जो है दोस्तों स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होती है। वैसे तो ये फ्लावर साल भर भी खिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपने इसका बल्ब कब लगाया है। एक्सट्रीम कंडीशन में ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा विंटर में जहाँ पे ज़्यादा विंटर बर्फ़ वगैरह पड़ती है, या फिर जिन जगहों पे जो है ज़्यादा बारिशें होती है उस वक्त ये फ्लावरिंग नहीं करता। तो ये प्लांट जो है मॉडरेट टेम्परेचर में फ्लावरिंग करता रहता है और ये प्लांट जो है दोस्तों सीड से, बल्ब से और इसके लीव से भी प्रोपोगेट किया जाता है। इसके लीव जो है दोस्तों आप किसी भी सैंडी सॉइल में या फिर सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ी सी देर करता है। बल्ब अगर इसके अच्छे मैच्योर हो तो जल्दी ही ये फ्लावरिंग करता है। जितना बल्ब ज़्यादा बड़ा हो उतने ही इसमें जो है जल्दी और ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाती है। मेरा जो प्लांट है इसमें ये देखिए ढेर सारे फ्लावर्स खिले हैं, मतलब ये बल्ब डेफिनेटली बड़ा है और इनमें कलियाँ भी अभी बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है थोड़ा सा डेलिकेट भी होता है, इसकी केयर अगर आप समझेंगे तो ग्रो करने में बहुत ही ईजी जाता है ये। तो दोस्तों इस प्लांट को जो है आप मोस्टली समर में लगा दीजिएगा ताकि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। जब अगर रेनी सीजन में लगाते हैं तो ये ज़्यादा बारिश की वजह से या ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से ख़राब भी हो सकता है। विंटर में लगाते हैं तो दोस्तों इसे जो है थोड़ा सा वार्म या हॉट क्लाइमेट चाहिए, तभी ये जो है स्प्राउटिंग भी अच्छे से करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। ज़्यादा ठंड में ये फ्लावरिंग और स्प्राउटिंग भी नहीं करेगा। जैसे ही इसके फ्लावर्स फेड हो जाते हैं दोस्तों उसे निकाल दीजिएगा, और उसी के साथ जो है दोस्तों जैसे ही फ्लावरिंग हो जाती है इसके लीव्स भी जो है ड्राई होके गिर जाते हैं और ये जो है एक बार फ्लावरिंग करने के बाद डोरमेंसी में चला जाता है, और डोरमेंसी में चले जाने के बाद 1 से 1.5 महीने में फिर से ये स्प्राउटिंग करता है। मेरे पास इसका और एक प्लांट है जो मैंने आपको शॉपिंग वीडियो में भी दिखाया था और उसमें जो है एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और वो अब फ्लावरिंग जो है दोबारा से स्प्राउटिंग उसमें शुरू हो गई है, उसे मैं आपसे शो करती हूँ। तो दोस्तों वो ये प्लांट है जो फ्लावरिंग कर चुका था, रेस्ट भी कर चुका है, अब फिर से ये जो है स्प्राउटिंग इसमें होने लगी है। ये अभी फिर से जो है फ्लावर ज़रूर दे देगा, और ये पिंक कलर का है और ये जो है ये वायोलेट या थोड़ा सा जो है ब्लूइश शेड में है।
और उसी के साथ दोस्तों लीव्स के साथ साथ इसमें सीड्स भी बनते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना बहुत जो है मुश्किल होता है, और सीड से ग्रो करने के बाद फ्लावरिंग भी इसमें लेट ही हो जाती है। तो इसके बल्ब से भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बल्ब जो है आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर नर्सरी में इसके बल्ब मिल जाए तो ब्लंड इसके बल्ब परचेस कर लीजिएगा, या फिर जो है बना बनाया हुआ ऐसा प्लांट मिला आपको तो ज़रूर खरीद लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है, इसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और कुछ बातें इसके रिक्वायरमेंट और केयर के बारे में। इसको पॉट जो है दोस्तों आप छोटे से छोटा पॉट दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा पॉट आप बिल्कुल भी इसे मत दीजिएगा। 5 इंच से लेकर 6 इंच तक का पॉट दीजिएगा, जिसका डायमीटर भी जो है 4 से लेकर 5 इंच तक का होना चाहिए। मिट्टी जो है इसकी बिल्कुल ही पोरस सॉफ्ट होनी चाहिए, इसीलिए जो है थोड़ी सी सॉइल, मतलब 30% सॉइल 30% कंपोस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, कंपोस्ट ज़्यादा दीजिएगा। स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र जैसे कि बोन मील हो आप इसे दे देंगे तो फ्लावर और इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नीम खली और फंगिसाइड सॉइल मिक्स में ज़रूर मिला दीजिएगा। सैंड, कोकोपीट और परलाइट भी मिला देंगे, इसका प्रोपोर्शन अच्छे से बना देंगे आप तो फिर से जो है दोस्तों ये अच्छे से जो है ग्रो करेगा। इसका प्रोपोर्शन जो है दोस्तों आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जितना हो सके उतना पोरस रखिएगा। मैंने तो इसमें राइस हस्क भी मिला दिया है, और जो है मेरा कंपोस्ट भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैंने इसे डाल दिया है। आप इसे DAP भी डाल सकते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और अगर आप ऑर्गेनिक ही डालते हैं तो ऑर्गेनिक ही डाल दीजिएगा, मैं तो ऑर्गेनिक ही डालती हूँ, और जो है केमिकल मैं इसमें बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो ये जो प्लांट है दोस्तों जिनके घर में कम से कम धूप आती है वो लोग इसे डेफिनेटली लगा सकते हैं। इसे जो है सुबह सुबह की 1-2 घंटे की धूप दे देंगे तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा धूप मत दीजिएगा। अगर ज़्यादा धूप देते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और बर्ड सीज़न में देते हैं इसकी बडिंग सीज़न में तो दोस्तों उस वक्त इसकी बर्ड भी जो है बर्न होने लगती है। वैसे तो इसमें ज़्यादा इन्फेस्टेशन मुझे नहीं लगा है दोस्तों, लेकिन जो है आप फंगिसाइड का प्रयोग करिएगा। और उसी के साथ रेनी सीज़न में अगर आप इसकी केयर करते हैं तो ये प्लांट आपके पास बच भी जाता है। बारिश का पानी इसे अच्छा नहीं लगता, अगर ज़्यादा बारिश का पानी पड़ गया तो ये प्लांट जो है दोस्तों ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा फ्रॉस्ट अगर बर्फ़ वगैरह पड़ती हो तो उसे जो है दोस्तों आप बर्फ़ से या फिर जो फ्रॉस्ट वगैरह पड़ता है उससे ज़रूर बचा लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।